नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड में। बजट सत्र को संपन्न कराने के बाद आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला गैरसैंण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने निकला तो उनके साथ अचानक गैरसैण बाजार में एक अप्रत्याशित घटना घट गई। जैसे ही मुख्यमंत्री धामी गैरसैण तिराहे पर पहुंचे, इतने में ही पूर्व एनएसयू आई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसी के साथ ही जो वर्तमान में यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन सिंह भंडारी हैं, उनकी गाड़ी के आगे काला झंडा हाथ में लेकर मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। सुरक्षा बलों ने मोहन सिंह भंडारी को पकड़कर तुरंत स्थिति को संभाला। इस अप्रत्याशित घटना की किसी सुरक्षा बलों ने कल्पना भी नहीं की थी। इसी बीच और इसी के साथ ही कांग्रेस भी नारेबाजी करते हुए वहां एकत्र हो गए। सुरक्षा बलों ने तत्काल सभी कांग्रेसियों को बाजार के ही एक होटल में बंद कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उप जिला चिकित्सालय जा पाए। आपको बता दें कि बाद में सभी कांग्रेसियों को छोड़ दिया गया। और वहीं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में बजट सत्र के अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित होने की गैरसैंण वासियों की निराशाएं सरकार के खिलाफ आक्रोशित होकर सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि दरअसल गैरसैंण के लोगों का कहना है कि उनको बजट से गैरसैंण के विकास के लिए एक बड़े पैकेज की आशा थी, लेकिन धावी सरकार ने अपने बजट में तो उन्हें कोई तोहफा नहीं दिया। बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण के लिए जो 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, धामी सरकार ने उस घोषणा को भी दरकिनार कर दिया। आज आपको बता दें कि इससे गुस्साए कांग्रेसियों ने शाम नाराज गैरसैंण में मुख्यमंत्री और इसी के साथ ही सरकार का पुतला दहन किया। और इसी क्रम में आज पहले तो मुख्यमंत्री के काफिले को नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाए थे, तो देर शाम नारेबाजी करते हुए पुतला दहन भी किया गया। 4 दिन का बजट सत्र चलाया गया, लेकिन गैरसैंण के लिए कोई भी बजट या योजनाएं गैरसैंण के लिए नहीं बनी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा यहां पर 25,000 करोड़ की जो घोषणा की गई थी, लेकिन उस घोषणा पर कोई भी अमल नहीं हुआ। उन घोषणा के द्वारा यहां पर कोई भी काम नहीं हुए और आज सरकार के द्वारा यहां पर 4 दिन का जो सत्र चला, बजट सत्र, लेकिन यहां पर गैरसैंण के क्षेत्र के लोगों के साथ अनदेखी की गई है। यहां पर तमाम, इससे पहले भी यहां पर जो ये झील था, पानी की झील का निर्माण हुआ था, प्रस्तावित झील थी, लेकिन उस झील पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है और हमारे गैरसैंण के लिए कोई भी बजट पेश नहीं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और अब खेल के माध्यम से भी उत्तराखंड राज्य अपनी छाप छोड़ रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार की बेटी आरती ने हरिद्वार और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। आरती ने लुधियाना, अमृतसर और इसी के साथ ही पटियाला में आयोजित किए गए खेलो इंडिया लीग गेम्स में साइकिलिंग के उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, इसी के साथ ही 3 रजत और 6 कांस्य सहित 11 पदक जीते हैं। आपको बता दें कि आरती इसके पूर्व वर्ष 2018 में रुद्रपुर में आयोजित राज्य ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण और 2020 में हल्द्वानी में आयोजित की गई 16वीं माउंटेन साइकिलिंग नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं। आरती ने सरकार से मांग की है और ये मांग करते हुए कहा है कि इस खेल में उनकी मदद की जाए, जिससे कि वो देश का नाम विदेशों में भी रोशन कर सके। अभी मैंने खेलो इंडिया वुमेन लीग में भाग लिया था और मैंने 11 मेडल जीता, जिसमें 1 लुधियाना में और 6 अमृतसर में और 3 पटियाला में। लुधियाना में ब्रॉन्ज और अमृतसर में 3 सिल्वर 1 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज और पटियाला में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। मैंने साइकिलिंग करते हुए देखा था तो मैंने फिर साइकिलिंग करने की सोची थी और लड़कियों को भी साइकिलिंग करनी चाहिए। भैया साइकिलिंग देखते थे बच्चे, इन्होंने एक बार मैं इनको एशियन गेम्स दिखाने ले गया था दिल्ली, तो वहाँ देखा इन्होंने साइकिलिंग का गेम, तो इनको प्रेरणा मिली। फिर इन्होंने वहाँ के ट्रायल पास किए और उसके बाद उत्तराखंड ओलंपिक इन्होंने खेला तो उसमें 2 गोल्ड मेडल आए इसके, तो उससे और इसको इंक्रीज हुआ। फिर इन्होंने खेलो इंडिया टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया था। फिर ये खेलो इंडिया में कुछ दिन नेहरू स्टेडियम में, वहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में रही है। अभी इसने 11 मेडल जीते टोटल। ये रोज का शेड्यूल है इसका, कभी 120 किलोमीटर है, 150 है, 90, 40, मतलब अलग अलग दिन का अलग अलग शेड्यूल रहता है। और वही 6 साल पहले
पुरोला निवासी एक युवती का शव चूना खाले के जंगल में एक पेड़ से लटका मिला था, जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी और निशान मिटाने के लिए युवती का चेहरा झुलसाकर उसे पेड़ से लटका दिया गया था, जिसमें 9 लोगों के शामिल होने की पुष्टि हुई थी, जिसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से एक इनामी बदमाश को पुलिस द्वारा बिहार सीतामढ़ी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाल DM कोहली ने यह बताया है कि पुलिस की टीम लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। मुखबिर की सूचना पर एक इनामी बदमाश को पुलिस ने बिहार सीतामढ़ी से गिरफ्तार कर लिया है और इसके ऊपर आपको बता दें कि 25,000 का इनाम रखा गया था और इस आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब आज से 6 साल पहले दिनांक 13 जुलाई को यहाँ चूनाखला के जंगल में एक युवती का पेड़ से लटका हुआ शव मिला था, जिसका चेहरा झुलसा हुआ था। उसके प्रचार प्रसार के बाद उसकी पहचान पुरोला निवासी बालिका के रूप में हुई, जिस संबंध में फिर 15 जुलाई को एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें विवेचना में ये पता चला कि उस बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा जलाया गया और बाद में सबूत मिटाने उसे टांग दिया गया। विवेचना में 9 लोगों का नाम प्रकाश में आया था जो घटना के बाद से फरार थे, जिनमें से अब तक पिछले 6 सालों में 7 लोग अलग अलग जगहों से हिंदुस्तान से गिरफ्तार कर करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किए जा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात उत्तरकाशी की करेंगे। उत्तरकाशी में आपको बता दें कि मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है, तो वहीं एक सप्ताह से लगातार ओलावृष्टि और बारिश का दौर जारी है। ओलावृष्टि होने से आपको बता दें कि काश्तकारों की नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। भाजपा जिला अध्यक्ष, किसान मोर्चा अध्यक्ष और इसी के साथ ही संगठन ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। काश्तकारों को उचित मुआवजा देने की भी इस दौरान उनसे मांग की गई। तो मौसम एकदम बदला सा था, कहीं तो बिल्कुल एक बूंद भी कहीं बरसात नहीं हुई, जिससे जो है हमारे किसानों की जो है काफ़ी सारी जो है गेहूं की फसल है, आलू की फसल है, तमाम तरह से जो है वैसे वो नुकसान हो रहा था। मगर अब जो है जैसे फसल कटान का समय आया और देखने को मिला मुझे जनपद उत्तरकाशी में, मतलब प्रत्येक विकास खंड में कि ओला दृष्टि जो हुई है उससे हमारे जो लघु कृषक हैं उनको उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और मैं भी चाहता हूं, मैं किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष होने के नाते सरकार भी चाहते हैं कि हमारे जो लघु कृषक हैं उनको कहीं अहित ना हो, इसके लिए मैं आज जो हूं अपने उसमें एक ज्ञापन दे रहा हूं DM साहब के माध्यम से। और वहीं नकल विरोधी कानून लागू होने की खुशी में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल काशीपुर के तत्वाधान में आभार रैली का आयोजन किया गया। आभार रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक गोयल के नेतृत्व में मोहल्ला किला से मेन बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक तक आभार रैली निकाली गई। इस दौरान आभार रैली में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा के द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने ये कहा कि आज नकल विरोधी सख्त कानून लागू करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आभार प्रकट के लिए आभार रैली का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष गुंजन की तरफ से ये भी कहा गया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री धामी द्वारा सख्त नकल विरोधी कानून लाने पर आभार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया जा रहा है। या तो पेपर लीक हो जाता था या कोई और कारण, अधिकतर जो कारण था वो यहाँ पर लीक हो जाता था और जो बच्चे वास्तव में मेहनत करके परीक्षा देते थे उनका भी रिजल्ट बाहर में हो जाता था। और फिर इसके बाद ये होता था कि परीक्षा 1 साल 2 साल पढ़ नहीं पाती थी, इसके कारण कहीं ना कहीं अपरा युवा यहाँ पे जो युवतियाँ हैं उनका भविष्य अंधकार में है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो इस देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून हमारे प्रदेश में लागू किया गया है, आज इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा जो है पदयात्रा निकाली गई है और इस पदयात्रा के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ता
पदयात्रा निकाली जा रही है। विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है भाजपा और इसीलिए बजट सत्र को आधे में ही समाप्त किया गया। ये बात कर्णप्रयाग में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कही। उन्होंने ये कहा कि बजट सत्र में जनता को निराशा ही हाथ लगी। भराड़ीसैंण बजट सत्र से लौटने के बाद कर्णप्रयाग में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि विपक्ष के सवालों से बचने के डर से दरअसल सरकार ने बजट सत्र को स्थगित किया। उन्होंने ये भी कहा कि बजट सत्र से जनता को बड़ी उम्मीदें थी मगर निराशा ही हाथ लगी। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि भर्ती घोटाले, पेपर लीक, अंकिता हत्याकांड और महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जनता परेशान है। केंद्र की योजनाओं के नाम पर यह सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। और वहीं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ऋषिकेश शहर में डाले जा रहे कूड़े के निस्तारण को लेकर ग्रामीण क्षेत्र गुमानीवाला स्थित लालपानी बीच में आवंटित ट्रेचिंग ग्राउंड को भूमि को लेकर ग्रामीणों के विरोध के चलते प्रशासन ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। शुक्रवार को दरअसल आपको बता दें कि ग्रामीणों के भारी विरोध की वजह से एसडीएम ऋषिकेश सौरभ असवाल, नगर आयुक्त और पुलिस के आला अधिकारियों और ग्रामीणों की वार्ता बेनतीजा रही। शुक्रवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्यदायी संस्था में जो सर्वे कार्य किया जाना था, आपको बता दें, जिसे भारी संख्या में विरोध करने आए ग्रामीणों ने सर्वे का कार्य रुकवा दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग में ऋषिकेश शहर में बीचों बीच बने ट्रेचिंग ग्राउंड में पिछले लगभग 30 वर्षों से ऋषिकेश नगर निकाय के द्वारा शहर का कूड़ा डंप किया जा रहा है, जिसे हटाए जाने के लिए नगरवासी पिछले काफी लंबे समय से आंदोलन करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं। एनजीटी ने भी गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए शहर में कूड़ा तत्काल हटाए जाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके अनुपालन में उत्तराखंड शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गुमानीवाला स्थित वन विभाग की लालबीट की भूमि पर कूड़ा निस्तारण के लिए भूमि का आवंटन कराया था। जी वो 10 दिन कहें, वो 2 दिन कहें, वो जब जितनी मर्जी कहें, अब ये तो आमने सामने का टकराव है, टकराव होगा, देखेंगे क्या होता है। जनता तो है सड़क पे उतरी हुई। वो देखिए उनका उनकी उनकी समस्या ये हो गई है कि उनका एक तो वो जो टेंडर है कंपनी का, इसके साथ में कुछ स्वार्थ जुड़े हो सकते हैं, संभावना है। एक तो मार्च का महीना है, 22 करोड़ रुपया लैप्स हो सकता था, ऐसी भी संभावनाएं हो सकती है। जब आप मुझसे बेहतर, तो आप लोग ज़्यादा अच्छा जानते होंगे, लेकिन हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ये खेल केवल बहुत राजनीतिक या सामाजिक नहीं। तो अवगत कराना चाहूँगा, शासनादेश और शासन स्तर पर जो बैठक हुई थी उसका कार्यवित जारी किया जा चुका है और उसमें ये निर्देश मिले हैं हमें कि यदि नगर निगम के पास कोई उपयुक्त वैकल्पिक भूमि हो तो शासन को अवगत कराया जाए, अन्यथा की दशा में 10 दिनों बाद इस साइट पर, जो पूर्व चिन्हित साइट है, इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। इस प्रकार के निर्देश हमें मिले हैं। तो वही निर्देश आने के बाद, क्योंकि नगर निगम के पास कोई भी ऐसी लैंड वैकल्पिक नहीं है उपलब्ध, तो हम यहाँ की क्षेत्रीय जनता को ये अवगत करने आए थे। इस प्रकार का शासनादेश हो गया है और पूर्व चिन्हित जो जगह है यहाँ पर आए थे, जो प्रोसेसिंग प्लांट बनना है यहाँ पर धरने पे, जो लोग बैठे हैं उनसे भी वार्ता की गई है। देखिए वार्ता की गई है तो उनसे सहयोग की अपेक्षा की गई है, आगे भी वार्ता करेंगे और जैसे ही वार्ता से कुछ निकल के आता है तो फिर उसके बाद हम बता पाएंगे कि यहीं पे बनना है या बाहर बनना है। सर, जो जनता की मांग है 5 किलोमीटर दूर की यहाँ कुछ करने की मांग है, उस पर क्या विचार हो पाएगा? देखिए नगर निगम के द्वारा भी और शायद शासनादेश के द्वारा भी ये जो ये जगह चयनित की गई है, अभी तो फिलहाल इसी पे जो हमारा प्रोसेसिंग प्लांट बनना है वो इसी पे ही निर्धारित किया गया है। और वहीं देहरादून जनपद अंतर्गत ग्राम रायवाला स्थित सत्य साई संजीवनी अस्पताल में जन्मे 10 नवजात शिशुओं की माताओं को शिशु के जन्म प्रमाण पत्र बांटे गए और क्षेत्र की आशा कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप उपहार प्रदान किया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को ग्राम रायवाला में सत्य साई स्वास्थ्य और शिक्षा ट्रस्ट द्वारा संचालित सत्य साई संजीवनी अस्पताल में जन्मे प्रथम 10 नवजात शिशुओं के जन्म प्रमाण पत्र उनकी माताओं को ट्रस्ट के चेयरमैन श्रीनिवास के डॉक्टर पणिति
दास और इसी के साथ ही डॉक्टर विजय गुप्ता और प्रबंधक उषा रतूड़ी की मौजूदगी में बांटे और माताओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम को जन्मोत्सव के रूप में मनाया गया। इस दौरान क्षेत्र की समस्त आशा कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप उपहार भेंट कर सम्मानित भी किया गया। और वहीं देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग पर पयाल गांव के पास अचानक 108 आपातकालीन सेवा वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। आपको बता दें कि हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई जबकि वाहन में सवार दूसरे युवक को मामूली चोटें आई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सुरेंद्र सिंह बेटे जमन सिंह निवासी कोल बंगेरली थलीसैंड जिला पौड़ी के रूप में हुई है जबकि दूसरा युवक वीरेंद्र सिंह बेटे लक्ष्मण सिंह को हल्की चोटें आई। और वहीं गुमानीवाला के लालबीट पानी क्षेत्र में बनाए जा रहे नगर निगम के कूड़ा निस्तारण प्लांट को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज प्लांट के विरोध में धरना दे रहे लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस और ग्रामीण इस दौरान आमने सामने आ गए। आमने सामने आते हुए आपको बता दें कि स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। काफी प्रयासों के बाद मामले को शांत करने के लिए बैठक बुलाई गई जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। शुक्रवार को कुमानीवाला के ग्रामीण कचरा निस्तारण प्लांट के विरोध में धरना स्थल से उठकर मुख्य मार्ग पर जाम लगाने पहुंच गए थे। सूचना मिलते ही ऋषिकेश कोतवाली के अलावा आसपास के जो सभी चौकियों और डोईवाला तक से पुलिस को मौके पर बुला लिया गया। SDM नगर आयुक्त और इसी के साथ ही तहसीलदार भी इस दौरान मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसी तरह पहले सड़क से ग्रामीणों को किनारे किया और फिर उनसे बातचीत कर समस्या का समाधान करने की कोशिश की गई मगर ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े पड़े हैं। इस दौरान बुद्धिजीवियों की पहल पर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच एक कार्यक्रम स्थल पर बैठक कराई गई जिसमें ग्रामीणों ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो आबादी क्षेत्र में कचरा निस्तारण प्लांट बिल्कुल नहीं लगने देंगे। यदि प्रशासन तानाशाही और पुलिस के बल पर कचरा निस्तारण प्लांट लगाने की कोशिश करेगा तो इसके परिणाम भी गंभीर होंगे। और वहीं हरिद्वार में नंदा गौरा योजना का लाभ पाने वाले 193 लाभार्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद CDO हरिद्वार प्रतीक जैन के निर्देश पर बाल विकास अधिकारी सुलेखा सहगल ने 193 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सिडकुल पुलिस मामले की छानबीन में जुट चुकी है तो वहीं एक बार फिर धामी सरकार एक्शन मूड में नजर आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख देखने को मिला है। नंदा गौरा योजना में फर्जी प्रमाण पत्र का मामला सामने आने के बाद हरिद्वार जिले में 1.33 लाख लोगों के प्रमाण पत्रों की रैंडम जांच होगी। CDO के निर्देश मिलने के बाद समाज कल्याण अधिकारी ने इसके लिए आदेश दिए हैं। इस मामले में अब तक आपको बता दें कि 37 पकड़े गए हैं और आगे भी जांच की जा रही है। इस मामले में 193 लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। देखिए अभी ये ट्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि जिस आवेदनकर्ता ने सर्टिफिकेट लगाया है उसने किस CSC सेंटर पे जाके वो सर्टिफिकेट बनाया होगा ये हम लोग पता कर रहे हैं। कई आवेदनकर्ता हमारे को ऐसे मिले जो कि खुद भी अनजान है इस चीज़ से, उन्हें लगता है कि उन्होंने जो गलत लगाया वही सही है। हो सकता है किसी ने उनको भ्रमित किया हो, उनको बेवकूफ़ बनाया हो, या फिर हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो, वो भी किसी ना किसी मामले में संलिप्त हो और हमारे को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो ये गंभीर मामला है जहाँ से भी ये हेराफेरी की गई है, जिसने भी ये हेराफेरी की गई है। अब क्योंकि कार्रवाई हमने चालू कर दी है, पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, FIR ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, विभाग भी इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने भी FIR फाइल करी है, तो हर एक स्तर से जाँच की जा रही है कि किस लेवल पे ये हेराफेरी की गई होगी, किसने की होगी और एंड तक यहाँ पे जाया जाएगा। मुझे मुख्य प्रशासन अधिकारी द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि आपके पास जितनी भी जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन वाली है या छात्रवृत्ति वाली है, अनुदान से संबंधित कोई भी योजना है, उनके जो भी अभिलेख, उनके साथ जो संलग्न जो अभिलेख रहते हैं उनका आप एक बार जांच कर लें। वैसे तो सर को हमने बता भी दिया था कि हम पूर्व में ही उनको लाभ देने से पहले एक बार हम लोग ऑनलाइन उनका वेरिफिकेशन जरूर कर लेते हैं। फिर भी सर के निर्देश हैं, हम लोगों ने एक्चुअली ये कर दिया कि ऑफिस स्तर पर भी मैंने जो प्रत्येक पटल है उनको ये निर्देश दे दिया कि पिछला जो इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने जो स्वीकृतियाँ की है उनके पर डे हर पटल एक एक रजिस्टर हम लोगों ने मेंटेन कर दिया है। पर डे हम लोग रैंडमली 10-10 आवेदन पत्र हम लोग चेक कर रहे हैं। जिनको हम लोग अब तक लाभ दे चुके हैं उनके आवेदन पत्र तो हमारे पास कार्यालय में है ना,
तो प्रत्येक पटल में हम हमारा जो पटल सहायक है उनके माध्यम से जो ऑनलाइन है ई पोर्टल के माध्यम से या शादी वाला जैसे प्रमाण पत्र उसको ई मैरिज के माध्यम से हम लोग चेक कर रहे हैं। एक्चुअली में इस वित्तीय वर्ष में अभी 37 प्रकरण ऐसे थे कि जो लोग सस्पेक्टेड थे, कई लोगों ने इनकम सर्टिफिकेट में वो किया हुआ था एडिटिंग करके, आय उनकी ज़्यादा थी एडिटिंग करके उसको कम दर्शाया गया था, लेकिन उनको हमने लाभ लेने से पहले ही उनको रोक लिया था। मतलब हमारे जो पास जो आवेदन पत्र आते हैं वो सहायक संरक्षण अधिकारी के माध्यम से हमारे पास आते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर पर ही मतलब सहायक संरक्षण अधिकारी आवेदन पत्रों की जाँच करते, तो वहीं उन लोगों ने उनको ट्रेस कर दिया था, उन लोगों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला है। और वहीं हरिद्वार में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है जिससे कि किसानों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। किसानों की गेहूं की फसलें लगभग तैयार खड़ी हैं, जिसके चलते लगातार हो रही बारिश से फसल के गिरने का खतरा बढ़ चुका है, जिसको लेकर किसान और इसी के साथ ही और भी ज़्यादा असमंजस की स्थिति में पहुँच चुके हैं। मौसम विभाग ने देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते सुबह जारी तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान राज्य के कुछ स्थानों में गर्जन वाले बादल विकसित होने और इसी के साथ ही गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। इस बीच मौसम विभाग ने 21 मार्च तक मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है। येलो अलर्ट के अनुसार 21 मार्च तक राज्य के जनपदों में कई कई गर्जन के साथ बिजली चमकने और ओलावृष्टि होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो हरिद्वार से ये जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर बारिश होने से किसानों की चिंता बढ़ चुकी है और लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जानकारी पहले ही दी जा चुकी थी, मौसम विभाग की तरफ से साफ किया गया था कि अगले आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही बारिश और ओलावृष्टि होगी। हालांकि इस बीच किसान परेशान नजर आ रहे हैं और वहीं प्रदेश के लोगों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। प्रदेश में 1 अप्रैल से 12% तक महंगी हो सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली दरों में 12% तक बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस पर मोहर लगा दी है। आयोग 23 मार्च को बढ़ी हुई दरें जारी कर देगा। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के 27,50,872 उपभोक्ता प्रभावित होंगे। इस साल यूपीसीएल ने आपको बता दें कि नियामक आयोग के सामने बिजली दरों में 16.96%, यूजेवीएनएल ने करीब 2.43% और इसी के साथ ही पिटकुल ने 9.27% बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष रखा था। आयोग ने इन सभी प्रस्तावों पर प्रदेश भर में जनसुनवाई कर हितधारकों और इसी के साथ ही तीनों ऊर्जा निगमों की बातें सुनी। और वहीं श्रीनगर में अस्पताल आने वाले किसी भी मरीज को इलाज में कोई दिक्कत ना हो, अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए आपको बता दें कि अस्पताल के समस्त डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का। सरकार के लाख वादों के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंड इलाके का है, जहां एक ग्रामीण ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए हैं। बताया कि जब उसने अपने करीबी को सड़क हादसे में गंभीर चोटें आने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंड ले जाया गया, तो वहां उसे प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर नहीं मिले। साथ ही उन्होंने तत्काल जॉली ग्रांट हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाने को लेकर उनसे कहा। बेस अस्पताल श्रीनगर से एम्बुलेंस की मांग की गई तो उनके द्वारा 4 घंटे कीर्तिनगर में इंतजार करवाया गया और फिर मरीज को जॉली ग्रांट हॉस्पिटल ले जाया गया और उपचार करवाया गया। इस संबंध में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी प्रवीण कुमार से पूछा गया तो उन्होंने संबंध में किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने की बात कही और यह भी कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और अगर लापरवाही बरतने की बात आएगी तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। रसीले फलों में शुमार स्ट्रॉबेरी के व्यापार में भी किसानों को मुनाफा हो रहा है। पहाड़ों में होने वाली स्ट्रॉबेरी की खेती अब मैदानी क्षेत्रों में होने लगी है। देवभूमि प्रवेश द्वार मंगलौर में पिछले कुछ सालों से स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। क्षेत्रीय किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती से अच्छा मुनाफा हो रहा है। स्ट्रॉबेरी की खेती में आने वाली लागत खर्च के बाद किसान इस फसल से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो वही स्ट्रॉबेरी का पौधा अक्टूबर महीने में लगाया जाता है और 4-5 महीने के बाद फरवरी मार्च में फल देता है। स्ट्रॉबेरी का पौधा किसान हिमाचल प्रदेश से खरीद कर लाते हैं। आपको बता दें कि मंगलौर क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की मांग भी बढ़ चुकी है। अधिकतर पर्यटक मंगलौर क्षेत्र से ही स्ट्रॉबेरी के फल की खरीदारी करते हैं। बाजार के भाव से मंगलौर क्षेत्र की स्ट्रॉबेरी के दामों की काफी फर्क है। और वहीं हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले के लिए हरिद्वार पुलिस की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा एसपी क्राइम श्रीमती रेखा यादव और इसी के साथ ही नगर क्षेत्र के अन्य अधिकारी कांवड़ मेला क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हरिद्वार सिटी क्षेत्र में तमाम पुलिस ऑफिसर्स के साथ एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने पार्किंग स्पॉट और इसी के साथ ही कांवड़ यात्रा पटरी रूट का स्थलीय मुआयना किया। बता दें कि कांवड़ मेले का रूप निरंतर विस्तार ले रहा है, जिसको लेकर तैयारियां अभी से ही करनी जरूरी हो जाती हैं, ताकि किसी भी कांवड़ यात्री को किसी तरह की कोई परेशानी या फिर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बढ़ते हैं आगे और बात कोटद्वार की करेंगे। अंकिता हत्याकांड के मामले में कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर हंगामा किया। आपको बता दें पुलिस ने कार्यकर्ताओं को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के लिए फांसी की मांग करते हुए दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। और इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज बजेटिया। नमस्कार।